Hi everyone, welcome to Rest to IT. So my dear friends, today I am here to discuss 5 supermost sample pattern problem for your forthcoming JEE Advanced exams from the chapter. So that is logarithm. So here, so JEE Advanced exams के लिए इस type का questions का आने का possibilities है. So here, and this is my ranked mathematics for JEE Advanced aspirants. Clear कम से कम clear a ranked maths में you will get 200 video lectures and each lectures consists of 5 most important questions from respective topics or respective chapters. So my dear friends, clear ये सारे questions को आपको अच्छा से समझ कर practice करना चाहिए. इसी type के questions का पूछे जाने का possibility बहुत बहुत ज़्यादा है. क्लियर, अभी मैंने ये 2 क्वेश्चन रखा है, देखो क्लियर, ये दोनों क्वेश्चन को समझने का कोशिश करो. द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, जब ऐसा होगा, सो दिस इज 5 log x टू द बेस y एंड सो दिस इज log y टू द बेस x इक्वल टू 26 एंड एक्स वाई सो दैट इज इक्वल टू इज व्हाट 64 है. सो दिस इज, ये क्या हो रहा है, देखो सपोज मैंने इसको ये कंसीडर कर लिया, ये क्या होगा 1/a, सो दिस इज 26/5 है, ठीक है. अभी ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 1 5a स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 इक्वल टू 26 है, सो दैट इज, देखो यहीं पे क्लियर, सो दिस इज ए स्क्वायर प्लस 1 5a स्क्वायर प्लस 5 5a स्क्वायर माइनस 26a प्लस 5 इक्वल टू 0 है. So this is 5a square minus 25a minus a plus 5 equal to 0 है. So this is, यहीं से देखो clear, a का value 5 हो रहा है and a का value 1/5 है. जब a का value, a means क्या, so this and here xy equal to 64, a का मतलब क्या है, देखो यहीं पे a का मतलब है, so log x to the base y that is equal to 5 है. So x का जो value है, so this is y to the power 5 है. Suppose इसे x का जगह पे y to the power 5, so y to the power 6 equal to 64, so this is, यहीं पे तो negative होने का कोई possibility नहीं है, y is equal to 2 है. y जब 2 है, so therefore x का value क्या होगा, 2 to the power 5, ठीक है, 2 to the power 5, so that is 32 है. अभी now जब ये y का value, ठीक है, so this is log x to the base y, so that is 1/5, ठीक है, so x equal to y to the power 1/5 है, ठीक है, x is y to the power 1/5, अभी क्या देखो यहीं पे put करो, so this is y to the power 1/5 plus 1, so that is 6/5 equal to 64 है, ठीक है, clear, so that is, so this is, you can write, ठीक है, so 2 to the power 6, ठीक है, so this is 6/5, 2 to the power 5 into 6/5 you can write, so that is what, y is equal to 2 to the power 5 है. y जब 2 to the power 5 है, clear, जैसा ही पे y क्या हो रहा है, देखो, so this is y जब 2 to the power 5 है, ठीक है, यहीं से इसी रिलेशन से ही तो मिल गया ना, ठीक है, यहीं पे जैसा देखो y is 2 to the power 5, तो x का वैल्यू क्या है, y जब 2 to the power 5 है, x का वैल्यू क्या होगा, ना x का वैल्यू 2 है, ये दोनों का सम क्या होगा, so that is 34, ठीक है, clear, so this is, ये वैल्यू क्या है, देखो, ये वैल्यू 2 है, and ये वैल्यू तो 32 है, ठीक है. Now, जैसा इस पे सम पूछा था, इस पे पूछ रहा है product. The product of all values of x satisfying the equations is this. ठीक है? Clear? So, ये क्या होगा? देखो, so this is 2 to the power x. ठीक है? और ये क्या होगा? 125 means क्या? So, that is... so, this is what? 2 to the power x. Into, so this is, ये क्या हो रहा है, देखो 4 in, ठीक है, so ये क्या होगा, 0.5 का power 3, so this is 4 to the power x into 0.5 का power 3/x, ठीक है, and so this is what, 1/3, cube root था, and 4 into 2 to the power 1/3 है,
ठीक है, क्लियर। सो दैट इज ए से देखो इसका साथ ए तो एक्स बाई थ्री हो गया, सो दिस इज इज वन ए टू टू दी पावर एक्स, ए थ्री थ्री कैंसिल है, सो दिस इज ई क्या होगा देखो फोर टू दी पावर एक्स बाई थ्री है, और ई क्या होगा वन बाई टू, सो दिस इज फाइव बाई टेन मीन्स क्या वन बाई टू, टू टू क्लियर टू टू दी पावर माइनस वन बाई एक्स, एंड हियर टू टू दी पावर ए क्या होगा टू प्लस वन बाई थ्री है, क्लियर। सो दैट इज वाई टू का पावर सेवन बाई टू है, अभी दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, ठीक है। सो एक्स प्लस ये क्या हुआ 2x प्लस 3 माइनस 1 बाई एक्स, सो दिस इज स्क्वायरिंग करोगे तो क्या होगा, सो दिस अभी ये जो वैल्यू है सो दिस इज इज वेल क्लियर 3x प्लस 2x 5x बाई 3 माइनस 1 बाई एक्स, सो दैट इज 7 है, ठीक है। सो 5x स्क्वायर माइनस 3 एंड सो दिस इज 21x, सो दैट इज 5x स्क्वायर माइनस 21x माइनस 3, सो दैट इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, क्लियर। अभी क्या होगा देखो, सो दिस इज 5x स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू 100, ठीक है। यहीं पे देखो x का हमें क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है, तो x का वैल्यू क्या माइनस बी 21 प्लस माइनस बी स्क्वायर 4, ठीक है 41 प्लस 60, सो दिस इज बाई 10 है, सो दिस इज 21 प्लस माइनस, ठीक है, ये क्या होगा देखो 4 रूट, ठीक है 461, सो दिस इज बाई 10 है, ठीक है। अभी a माइनस बी क्लियर, x का तो दो ही वैल्यू मिल गया, x का जब दो वैल्यूज मिलेगा सो ये दोनों का प्रोडक्ट तुम्हें फाइंड करना है। सपोज एक वैल्यू सो दिस इज suppose x1 is equal to 21, so this is 461 by 10, and x2 equal to 21 minus 461 by 10 है, ये दोनों का product पूछ रहा है, so x1 into x2 441 minus 461, so this is by 100, ठीक है, so this is 20 by 100, so this is minus 1 by 5 है, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स देखो यहीं पे, सो दिस इज 441, सो दिस इज माइनस 1 बाई 5 है, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, सो दिस वन शुड बी माइनस 1 बाई 5 है, क्लियर। इस टाइप का क्वेश्चंस पूछे जाने का पॉसिबिलिटीज है, आपको अच्छे ढंग से समझ कर प्रैक्टिस करना चाहिए, क्लियर। Now we'll discuss two more very good questions for your forthcoming JEE Advanced exams. The order where x, y satisfying these equations. So here, satisfying these equations ka kya matlab hai dekho. So this is log y to the base 4 equal to x square minus 1 by 6. So that is what y ka value 4 to the power x square minus 1 to the base 6. A y hai. अभी यहीं से देखो, सो दिस इज वाई स्क्वायर इक्वल टू टू दी पावर एक्स इंटू वाई टू इंटू टू टू दी पावर टू एक्स, ठीक है। मैंने इसको कुछ कंसिडर कर लिया, सो दिस इज ए वाई एंड सो दिस इज टू टू दी पावर एक्स का स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू इज वाई टू ए स्क्वायर टू टू दी पावर एक्स इक्वल टू ए है, सो दिस इज वाई स्क्वायर माइनस ए वाई माइनस टू ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो है, so y square minus 2ay and so this is 2a square equal to 0, ठीक है। so y का वैल्यू क्या क्या हो रहा है देखो, यहीं पे y square minus 2ay, जब y कॉमन लोगे y minus 2a, a कॉमन लोगे y minus 2a is equal to 0 है, so y का वैल्यू 2a minus a, ठीक है। क्लियर, y का वैल्यू 2a एंड माइनस a, जब y का वैल्यू ऐसा होगा, ठीक है। सो दिस y का वैल्यू जब ऐसा होगा देखो y इज इक्वल टू 2a, ठीक है। सो दिस इज 2a मींस क्या, सो दैट इज वाई 2 टू द पावर x प्लस 1, a तो 2x है, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर x स्क्वायर माइनस 1 बाई 3 है, सो दैट इज x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 1 बाई 3, सो दैट इज 3x प्लस 3 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1,
x square minus 3x, and so this is minus 4 equal to 0 है. So that is x का value 4 and minus 1. ठीक है, x का value. So this is जब x 4 है, ठीक है, x जब 4 है, यहीं पे y का value क्या होगा देखो, जब x 4 है, ठीक है, x जब 4 है, y का value 16 minus 1, clear 6, 15, 15 by 6, so that is what, 4 to the power 15 by 6, so that is 3 by 2 है, so that is equal to what will get, so 2 का square, so that is 4 and 8 है. अभी जब x का value minus 1 है, ठीक है, x जब minus 1 है, y का value क्या होगा, so this is, y का value, देखो, this is 0, 4 to the power 0, so that is 1 है, ठीक है, clear, so this is what x1, y1, and this is what x2, y2 है, अभी तुम्हें क्या find करना है, log of x1, x2, y1, y2, so that is what, now log of 32, ठीक है, to the rest, so that is what you get, so that is equal to 5 है, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चंस करके पूछे जाने का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, आपको इस टाइप का क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक. Now we will discuss about this, the number of values of x satisfying this equation. जब ऐसा होगा, number of values of x, so this is what, इसको you can write, देखो, 9 to the power x minus 1 plus 7, एक हर एक में base 2 है, तो यहीं पे 2 डिजिट कब देगा, ना जब ये 4 होगा base 2 दर, so this is 4 into 3 to the power x minus 1, so this, ठीक है, प्रिया कहीं पे ये क्या देगा, so this is, देखो, 3 का power 2x minus 2 plus 7, so this is 4 into 3 to the power x into minus 1 plus 4 है, ठीक है, अभी मैंने इसे consider कर लिया, so this is a square by 9 plus 7, so this is what, 4 by 3 a plus 4 है, where a is equal to 3 का power x है, ठीक है, clear, so that is what, a square plus 63, इसको 9 से multiply करो, so that is 12 a plus 36, so this is a square minus 12 a, and so this is plus 27 equal to 0 है, so a का value 9 and 3 है, a जब 9 है, so this is 3 का power x equal to 3 square, x equal to 2 है, a का value जब 3 है, so 3 to the power x equal to 3, so x का value 1 है, ठीक है, clear, so my dear friends, number of values of x satisfying this equation is 2 है, clear, so my dear friends, इसी type का questions पूछे जाने का possibility बहुत बहुत ज्यादा है, clear, आपको इसी type का questions को अच्छे ढंग से practice करना चाहिए. Now we will discuss very good questions. So my dear friends, for your JEE Advanced exams, if x1 and x2 are the solutions of this, so this is e square x to the power nx equal to x cube hai, and nx ka matlab hai iska base e hai, so this is log of e square, and so this is e kya hoga dekho, log of x, theek hai, into log of x, so that is 3 log x, ठीक है, ये e क्या देगा, so this is 2 है, and so this is log x to the base, ठीक है, equal to 3 log x to the base e, so इसको मैंने e consider कर लो, a square minus 3a plus 2 is equal to 0 है, and so this, ठीक है, so this is e का value 1 and 2 है, e जब 1 है, clear, so this is log x to the base e equal to 1 and 2, so that is x का value e and e square, यहीं पे क्या है, देखो, जो x1 है, so therefore x1 is e square and x2 is e है, ठीक है, केवल इस condition से मैंने write this, अभी यहीं पे क्या होगा, so that means क्या, x1 is equal to क्या होगा, so this is x1 is equal to twice x2 का, clear, so this is x1 equal to e square and x2 is this, so this is equal to, you can say x1 equal to x2 का square, so my dear friends, this option is the right one,
क्लियर। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसी टाइप का क्वेश्चंस पूछे जाने का पॉसिबिलिटी बहुत बहुत ज़्यादा है। आपको सारे क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से समझकर प्रैक्टिस करना चाहिए। इफ़ यू वांट टू क्रैक जेईई एडवांस एग्जाम्स विद ए ग्रेट कॉन्फिडेंस, यू हैव टू वर्क प्रॉपरली क्लियर, यू हैव टू प्रैक्टिस सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्रॉपरली क्लियर। सो माय डियर फ्रेंड्स, रिमेंबर इट, प्रैक्टिस टिल यू परफेक्ट, तब तक प्रैक्टिस करते रहना जब तक आप परफेक्ट नहीं बन जा रहे हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ऑल ऑफ योर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड ट्विटर फ्रेंड्स एज वेल एज ऑल सोशल मीडियाज अराउंड द वर्ल्ड है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल बेस्ट YT। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग माई वीडियो। दैट्स ऑल।